मैं आपको बताऊंगा कि आज राजस्थानी साफा किस प्रकार बांधा जाता है। राजस्थानी साफा बहुत ही आसान है अगर सीखा जाए तो। तो चलिए सबसे पहले ये जो साफे का जो मेन कॉर्नर है, इस कॉर्नर को थोड़ा सा इस प्रकार इस पल्लू को समेट लीजिए, और उसके बाद ये हम जो बना रहे हैं वो छिणगा रखने के लिए बना रहे हैं। तो ये जो बनेगा वो मैं आपको बता दूं कि इसको इस तरह से आपको लपेटना है। आप देख लीजिए इस तरीके से इसको लपेटेंगे तो एक ये छिणगा बनेगा जो बड़े ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो साफे के ऊपर तुर्रा रहेगा, जिसे हम तुर्रा भी कहते हैं, वो तुर्रा बनाने के लिए ये जो तुर्रा बन गया है साफे का, तो ये जो तुर्रा बनाने के लिए हमने इस तरीके से इसको लपेट के किया है। और अब हम यहाँ से इसको जो है किसी रबर से, या अगर रबर नहीं है तो आप धागे से भी बांध सकते हैं। तो चलिए हम इसको रबर से बांध देते हैं। रबर की दो आंट दे देते हैं इसको, ताकि ये तुर्रा बना रहे और बिखरे नहीं, इसलिए हम इसको इस रबर से बांधा था। फिर हम इसको इतना सा लेंगे जो यहाँ से, अब देखिए इतना सा अपने को लंबा रखना है और इसको बड़े आसानी से यहाँ रखना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बांध रहा हूँ, बड़े ही सरल तरीके से बनता है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती। अगर दो तीन बार आप ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से आप घर पर भी सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो हम लगाएंगे इसके ऊपर वो बिल्कुल रफली होता है, इसमें रफ कहते हैं तीन चार बार, यानी रफ लगा देते हैं इसको तीन चार बार। यानी आपको तीन बार इसको रफ घुमाना है और उसके बाद आपको बड़े ही थोड़ा सा इसको यूं घुमा लेना है। थोड़ा सा आप घुमाओगे तो आपकी जो है साफे की बंधने की कला आप बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। अब दो तीन बार ऐसे करके इसको इस साइड से लाके वापस यहाँ इस तरीके से आपको बांधना है। पीछे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से पीछे से रहता है। तो बड़े ही सरल और आसान तरीके से आप साफा बांध सकते हैं। ये राजस्थानी साफा है, बड़े ही शादी विवाह के अवसर पर इसे बांधा जाता है, और इसे बांधने के लिए ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी होती है। थोड़ा सा अगर आप ट्राई करेंगे घर पर तो निश्चित रूप से आप ये साफा बांध सकते हैं, और इस साफा की जो पहचान है मारवाड़ के अंदर बहुत ही अलग पहचान है, क्योंकि शुरुआत का जो साफा होता है वही एंड तक चलता है। इसकी यही खासियत है कि आप एंड तक इसे इसी प्रकार चलाएंगे। जब तक आप एंड तक चलाएंगे तब तक ये साफा इसी तरह बनता जाएगा। ये अभी इसकी पूंछ नहीं है जो हमने पीछे डाला था, उसको हम बाद में आगे लेके आएंगे। अभी जो हम बांध रहे हैं इसमें जितने कलर हैं, सात कलर है, सातों कलर अपन अलग अलग तरीके से आगे लेके आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि साफा बड़े ही इत्मीनान से बांधा जा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत आपको नहीं लगेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये साफे आप आसानी से नहीं बांध पाएंगे। अब जो हम अंतिम जो लेने वाले हैं उसको बड़े तरीके से सजाना है, क्योंकि सबसे अंत में आने वाली जो पट्टियाँ हैं वही पट्टियाँ आपको वहाँ पर अंत में दिखाई देगी। तो ये पट्टियाँ आपको सजा के रखनी है, क्योंकि आप सजा के नहीं रखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं मैं सजा रहा हूँ इन पर, इस पट्टी को,
क्योंकि ये सबसे अंतिम पट्टी के दूसरी नंबर की पट्टी है, तो इसे उसी तरीके से अपन को सजाना होगा। और वही पट्टी जो हम लेके आएंगे, वो पट्टी आपको इत्मीनान से दिखानी है। अंत होगा वही आपका सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब जो साफे बन रहे हैं वो अपनी अंतिम कड़ी है। मैं पीछे से भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कला ही आप घर पर आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि अब अपना अंतिम पल्ला है ये, तो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाना होगा, क्योंकि अंतिम पट्टी है इसकी। तो अब इस पट्टी को सजाने के लिए आप बड़े ही तरीके से इसको सजाएंगे, तब जाके ये अंतिम पट्टा आपका क्लियर बैठेगा। नहीं तो क्या होता है कि आपका जो साफा बांध रहे हो वो साफा बिखरने का भी चांस रहता है। अब आप इसको बांधने के बाद आप शादी के अंदर डांस करें, कुछ भी करें, लेकिन ये पट्टा बिखरेगा नहीं, क्योंकि अपन को इस तरीके से सजाना है इसको अंतिम वाले को। यही सबसे ज़्यादा जो अंत में आएगा वो अपना क्लियरिटी देगा। अब अक्सर पीछे की वक्त जब लॉक करते हैं साफे को, वो लॉक करने की जो कला है वो सही नहीं होने की वजह से साफा बिखर जाता है। तो अब हम आपको लॉक दिखाएंगे किस तरीके से करने। जो हमने ये पट्टा रखा था, इस पट्टे को इससे अपन गांठ मारेंगे, यानी इसको इससे गांठ लगानी है, ताकि ये साफा बिखरे नहीं। बिखरेगा नहीं तभी ये साफा हम इसको जमा सकते हैं। और उसके बाद इसको धीरे 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 आपको अंदर डालना है। अगर आप इस तरीके से अंदर नहीं डाल सकते हो तो आप इसको निकाल के डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आगे से यहाँ से पकड़ना और पीछे की पल्लू को पकड़ना है, फिर आपको इसको निकाल के ये देखिए आपका बड़े ही, अब इस तरीके से इसको यहाँ पे पिनअप करना है। अगर आप पिनअप नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपको इस साइड से इसको अंदर डाल लेना है, और इस साइड से भी आपको इस साइड से कर देना है। तो ये आपका जो ऊपर का पंख है वो पंख आपको अच्छा लगे, क्योंकि पंख के ऊपर ही साफा चलता है। तो अभी मैंने इसको पिन नहीं किया है, मैं ऐसे पिन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही सुनहरा और सुंदर साफा बन चुका है। लेकिन अभी इसको मैं पिनअप करूंगा और पीछे जो है इसको मोली से धागे से बांधूंगा, और आगे से यहाँ से ये जो पल्ला है इसको धागे से बांधोगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं बिखरेगा, ये आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ये था आपका राजस्थानी साफा। जो आप मेरे कुछ बाल बाहर आ रहे हैं तो मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि अभी मैंने इस साफे को बांधा नहीं है। अब ये बंधेगा तो मैं बता दूंगा कि ये इस तरीके से बंधेगा, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको इसके अंदर घुसा देती है, और इस साइड का पल्लू है वो इस साइड में अंदर घुसा दीजिए। तो अब ये जो साफा बंधा है बड़े ही सुंदर और शान, जो राजस्थान की शान है वो हम इसको क्रिएट कर चुके हैं। ये पगड़ी कहलाती है राजस्थानी पगड़ी। तो ये थी राजस्थान की आन बान और शान साफा। जय हिंद।